बस आज आए हैं हम मोहल्ला दलपतियाँ। आप जैसे जानते ही हैं कि यहाँ पे एक कबूतरों का कंपटीशन रखा गया था जिसमें कम से कम 26 बंदों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस कंपटीशन में जो हमारे सेकंड नंबर पे आए थे सनी भैया, तो इनको आज हम मुबारकबाद देंगे। टाइम ना होने की वजह से हम आ नहीं पाए, तो सुजा जी से हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके बारे में। सुजा जी प्लीज़ बताइए। राजू भाई, पहले तो शुक्रिया आपका कि आप बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें अपना दे रहे हो, इसको शौक़ को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं और आप ही के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इनकी वीडियोस देखें, उसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ जी, यहाँ जम्मू में भी जो है ये शौक़ काफ़ी अरूज पे है। दूसरा रही इस टूर्नामेंट की बात, तो ये टूर्नामेंट जो हमने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी ये 21 और 23 मई, दो उड़ान इसमें हमने रखी थी। एवरेज टाइम रखा था और बॉर्डर रखा था 11 बजे का। 11 बजे से पहले अगर कोई परिंदा आता है तो वो जो है वो कैंसिल किया जाएगा। बड़ी अच्छी टूर्नामेंट हुई, टोटल 26 लोग थे, 3 लोग किसी वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, कुछ उनकी अपनी पर्सनल वजूहात रही थी। 23 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 3 लोग विनर हुए। पहले हमारे शकील साहब थे, वो भी खड़ीका तालाब मोहल्ले से, दलपतियाँ मोहल्ले से हमारे सनी जी, जिनको आज हम जिन्होंने आज हमारे को एक गेट टुगेदर किया है, एक छोटा सा एक पार्टी जो है वो दी है। हमारा भी थोड़ा सा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन राजू जी की वजह से वो बाद में कवर अप हो चुका और उसको उन्होंने अपलोड किया यूट्यूब पे। मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी हमारी उसकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो 23 पार्टिसिपेंट थे उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे तरीके से हुई, कोई इसमें गलत डिसीजन नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरे डिसीजन हुए, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार इसको हम थोड़ा और कोशिश करेंगे बढ़ाने की, ताकि ज़्यादा जो भाई हैं अपने वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और मेरी आपके माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको एज ए पार्ट ऑफ गेम लें, इसमें कोई पर्सनल इशू नहीं होता है, हर एक दो आदमी लड़ते हैं और एक आदमी जीतता है। मतलब कि इसको सट्टे वगैरह में ना लें, बिल्कुल सर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों ने आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं। जब आप वो वाला आस्पेक्ट इसके बीच में डालते हो तो फिर लड़ाई होने के चांसेस जो हैं या टूर्नामेंट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इशू जो है फिर वो पर्सनल इशू बन जाता है। यहाँ पर हमारा यही रहेगा कि हम कभी भी इस तरीके का कोई काम जो है इसके बीच में ना लाएँ, क्योंकि इसको हम बढ़ावा दें शो को, थोड़ा मज़ा आए शो करने का, क्योंकि एक महीना होता है, उसी एक महीने में हम लोग इन्जॉय करते हैं सारा जो हमारा चलता है, और उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने जो काम पे हैं वहाँ पे होते हैं। और आज जो यहाँ पे हमारे को इकट्ठा किया है हमारे सनी भाई हैं, ये सेकंड आए हैं, तो इनको एक तो ये हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे को बुलाया यहाँ पे, एक छोटा सा गेट टुगेदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। ये तो क्लैपिंग कर दीजिए जब जब पड़ जाएगी, तो तो करें सर, सभी ऑनर करें, अपनी अपनी तरफ से मुबारकें दें सनी जी को। बहुत बहुत मुबारक है सनी भाई को, बहुत ज़्यादा मुबारक है। क्लैपिंग 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 करते रहें। क्लैपिंग। तो सनी जी, आप कंपटीशन विन किया आपने, आपको कैसा लग रहा है आज? एक मिनट जी राजू भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही कंपटीशन में ज़्यादा मेहनत रही। ये मेरे भाई हैं, इन्हीं के साथ मैंने कबूतरबाजी सीखी है और बचपन भी मैंने जो कबूतरबाजी की इन्हीं के साथ की। इन्होंने मेरे को इस कप में भी, इस टूर्नामेंट में सारी हेल्प जो है, ये मेरे ब्रदर हैं फयाज साहब, उस्ताद भी हैं, और मेरे शहबाज साहब भाई हैं, ये रहनुमा मेरे, इनके साथ इनका सीखा हुआ सब कुछ ये बताते गए मेरे को कि कैसे कैसे कंपटीशन में जो है। गुरु रहे हैं वो कौन है? मेरे उस्ताद जो हैं ये हैं फरियाद साहब, फरियाद चौधरी साहब। थैंक यू फरियाद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी स्टीज आपके ब्रदर विन हुए हैं। सर कहना क्या है, बस ये है कि इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, उससे पहले की बीमारी शीमारी पड़ गई थी, कबूतर मार गए थे जी। तो इसका मन थोड़ा सा ये हो गया कि अब क्या करना, उड़ा के कबूतर बचे नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कर कोशिश, क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसने दिन रात एक कोशिश की, बड़ी मेहनत की, तो दूसरे नंबर का खिताब जो है इसको मिल गया। वो बहुत मेहनत की तरफ से। और भाई
दो मेरे ब्रदर दोनों ये जो मेरे और हमारी साथ इन्होंने पूरा तावन किया है जी जी, जिनकी वजह से मैं आज जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ, जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। इन दोनों भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया, उस्ताद बन के भी इन्होंने बहुत हेल्प की। इन्होंने काफ़ी ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ ये और काफ़ी मज़ा आया इसमें। और ये हमारे एक और भाई हैं फिल्ली अनिल दत्ता जी, जी जी इन्होंने भी 1-1 इस बार एक बाजी जो है बहुत अच्छी तरह विन की है, फाइट की। उसके बाकी हमारी टीम है ये हमारे भाई बड़े भाई कहेंगे आगे आगे आप इनको ये सारे हमारे लड़के जितने भी हैं ना पीछे ये हमारे जुए भाई राजू भाई, पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप हमेशा पहुँच जाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कबूतरबाजों के लिए। ये कबूतरबाजी अमूमन शौक नहीं है, ये बड़ा एक्सपेंसिव शौक है। इसमें कबूतरबाजी का कबूतरों के घर से लेके इनकी बीमारी, इनकी खुराक सब कुछ देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है इसमें। उस मेहनत के बाद जब रिजल्ट अच्छा आ जाए तो उसकी खुशी का जो आज इजहार हम कर रहे हैं, ये पार्टी हमारा कबूतर जो है वो 7:24 पर शाम को आया है। ये सारी पार्टी हमने अपने कबूतर के लिए दिया है, सारी मेहनत हमारे सन्नी की है। ये नासिर बानी ने बताया कि कबूतरबाजी मैं करता हूँ और मैं कर सकता हूँ, हमें बहुत खुशी है। आज जितने भी हम फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने जिन्होंने इनका साथ दिया, उस्ताद जी और जो ये शहबाज साहब हैं इनके इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले साल हम इंशाल्लाह इससे बेहतर कबूतर उड़ा के बताएँगे, ये मेरा मैसेज है जनाब। थैंक यू। तो सनी जी, हम चाहेंगे कि आप उस कबूतर के शो करवाएं जो कबूतर आपका विन हुआ है, तो प्लीज़ वो कबूतर दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। सारा सूट अप कर ला। कहाँ कबूतर? कोई गल नहीं, अगले साल चाहिए बेटर परफॉर्मेंस देगा। मैं अपने भाई को यही कह सकता हूँ, अगले साल इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, और मेहनत करे जी जी। तो अगले साल इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। ये टेडी कबूतर है जी जी। कितने बजे आया? ये 7:24 पे बैठा है। 7:24 तो इसके पल्ले दिखा, पहले तो आँख का शो करवाएं, इसकी आँख का शो करवाएं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन। तो सर जी, आपका होम ब्रीड है या आपने परचेज किया हुआ कहीं से? नहीं सर, ये मैंने कबूतर पकड़ा था जी जी जी, ये मैंने कबूतर ये पकड़ा था, उसके बाद इसके मैंने जब उड़ाना शुरू किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी। तो इसके पल्ले का शो करवाएं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। सर दिखाएं इसके पंजे, दिखाएं बहुत ही अच्छे खुश्क पंजे, खुश पंजों का मालिक, बहुत बढ़िया। और सेकंड कबूतर कौन सा आया था आपका? सेकंड कबूतर मेरा ये है, जालदार है। जालदार कबूतर है, ये हमारे घर की ब्रीड है, ये मेरे उस्ताद जी के घर की ब्रीड है। ये इन्होंने बच्चा मेरे को दिया था। दिखाएं इसके कुंदे, दिखाएं। फरियाद साहब ने आपको गिफ्ट किया जी, गिफ्ट किया था बच्चा। काफ़ी अच्छी परवास है इसकी। ये 5:14 पे बैठा है और कंटिन्यू इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू, इसका टाइम 4:30 हर हाँ। तो थर्ड कबूतर मेरी कबूतरी, ये इस कबूतरी की थोड़ी दूसरी स्टोरी है सर, मैं बताता हूँ। ये इस छत की विनर कबूतरी है पिछले साल की, इसने 3 शर्तें विन की हैं जी जी जी। हाँ जी, जम्मू में पहली बार 12 बजे का बॉर्डर जो है इसी छत से लगा था, और इसी जम्मू सिटी में सॉरी इसी छत से 12 बजे का बॉर्डर लगा था, और तीनों शर्तों में, तीनों कंपटीशनों में इसका टाइम से हम विन हुए हैं, और तीनों शर्तें हमने विन की हैं पिछले साल। हाँ जी, और इस बार ये मैं ये उस्ताद जी से ले गया, मैंने कहा ये कबूतरी मैं अपने छत पे लेता हूँ, और इस बार ये 3 बजे मेरे छत पे आई है कंपटीशन। तो दिखाएं सर इसकी आँख का शो करवाएं हमारे व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स देखिए, बहुत ही बेहतरीन
दानेदार आँख में, और पल्ले दिखाएं इसके शो करिए इसके पल्लों का, बहुत ही अच्छे तीखे हवा को काटते हुए हवा में आसमान में जाने वाले पंजों का शो करवाए, बहुत ही बढ़िया। इस छत की विन विन कबूतरी है जिसने तीनों टाइम से हमें तीनों शर्तें विन की हैं इस छत पे। जी जी हरियाज जी के छत यहाँ भी उड़ी और वहाँ इस साल वहाँ पे भी मैं लेके गया इसको। अच्छा नहीं भैया, आपके छत का शोक भी करवाएंगे हम थोड़े दिन के बाद कबूतरों का, जैसे आप फ्री होंगे तो हमें कॉल करिए तो हम आपके कबूतरों का शोक हमारे व्यूवर्स को करवाएंगे। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए। और बस सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शोक को शोक के साथ रखें, कोई इसमें ऐसी चलती आपस में भी जब कंपटीशन हो हमें फिर इकट्ठे ही रहना है, तो शो को शो की रखें, खत्म हो जाए भाइयों जैसे मिलते हैं। और जो जम्मू सिटी में या बाहर कप अलाउंस होने वाले हैं इंशाल्लाह हम पूरा तैयार हैं, जब हमें किसी कप में वेलकम करेंगे तो हम भी उनको मोस्ट वेलकम करेंगे। तो हम हर नेक्स्ट टाइम अगले साल के लिए आपने कोई आवाज़ वगैरह दे रखी है, कोई हुआ कंपटीशन तैयारी है? कंपटीशन तो ऐसे वन टू वन किसी के साथ नहीं हमारा, हमने कोई आवाज़ नहीं दी है, पर कोई भाई मेरा प्यार से मोहब्बत से हमारे साथ कोई कंपटीशन खेलना चाहे तो मोस्ट वेलकम है उसका, और बड़ी अच्छे तरीके से हम अपना किरदार निभाएंगे, जैसे कबूतरबाजी को किया जाता है उड़ाया जाता है वैसे ही करेंगे। और जजेस का रोल अच्छा होना चाहिए, जजेस अच्छे होने चाहिए, मुंसिफ अच्छे होने चाहिए, तो हम बड़े प्यार से उसके साथ शो करेंगे। चलो थैंक यू सनी जी। थैंक यू जी। ओके व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज सनी जी? काफ़ी दिन के बाद इन्होंने पार्टी रखी है, विन तो काफ़ी दिन पहले ही हो चुके थे ये, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके थैंक यू, थैंक यू बाय। तो सनी जी आप कुछ कहना चाहते थे बताइए। सर ये हमारे भाई हैं, सनी भैया हैं, तो इनके ये भी कबूतर बरबर हैं, बहुत अच्छा शौक रखते हैं। जी जी हमारे भाई हैं छोटे, तो आज तो कहाँ रहते हैं जी? ये पहले तो यहीं हमारे मोहल्ले में रहते थे, अब इन्होंने दलपति मोहल्ले में। जी जी। तो आप कहाँ रहते हैं? अब बजालता में शिफ्ट कर लिया इन्होंने। जी जी। तो ये इसी जो हमने पार्टी रखी इनको, तो इन्होंने हमारे लिए गिफ्ट अपने घर के ये पट्टे लाए हैं, अगले साल जो इंशाल्लाह हम बाजियों के लिए तैयार करेंगे। जी जी। तो हमारे व्यूवर्स को शो करवाएं जो इन्होंने पट्टे दिए आपको, तो व्यूवर्स देखिए ये पट्टे इनको गिफ्ट मिले हैं आज बाजी बिन की है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन हाई क्लास ब्रीड है इनके घर की, हाई क्लास बटेरे, बहुत ही बढ़िया। दिखाएं इसके पंजे, दिखाएं पहले, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह, खुश्क और ब्रीक, कच्ची नोक, कच्ची चोंच और कच्ची ही नाखून। ये कौन सी ब्रीड है सर? घर के जोंसले इनके पट्टे मोतियों वाले, दिखाएं इसके पल्ले। तो इनके माँ बाप आपके पास हैं? जी सनी जी के पास हैं, और हम भी बहुत ही मतलब कि हमें भी बड़ा इनका है कि हमें इन जो जिस ब्रीड के ये बच्चे हैं वो मिले, और सनी भाई ने आज ये लाए हैं, बहुत ही खुशी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत सबने की, लेकिन इस भाई ने थोड़े से टाइम में मेहनत करके इतने कबूतर उड़ाए ना। जी जी ये एक मिसाल है, और ये जो टूर्नामेंट हुई है प्यार मोहब्बत की, इतनी अच्छी टूर्नामेंट हुई है, जम्मू की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, सबसे अच्छी टूर्नामेंट हुई है, और सबसे मतलब बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है सबको कि भाई इतना प्यार से कबूतर उड़ाओ, ना किसी के साथ कोई झगड़ा, ना कोई बहसबाजी है, मतलब बहुत प्यार से हुई है। और कोरोना काल में पूरा ही प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इन्होंने ये कॉम्पिटिशन विन किया। जी जी बिल्कुल, जिसमें जी सेकेंड आए हैं। जी जी। तो बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें आपका स्वागत, मैं हूं आरिफ मलिक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कबूतरों के शौक जो है वो आज भी जम्मू कश्मीर में बड़े ज़ोर शोर से पाए जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं दलपतिया मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पे पिजन फ्लाइंग कंपटीशन 2021 जो है वो करवाया गया, और ये कंपटीशन जो है 21 मई से लेके 23 मई तक जो है ये चला, और इसमें जो सेकंड आए हैं वो है काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले नासिर वानी जी, ये दूसरे नंबर पे आए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन शौक को जो है वो पाला जाता है। पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर आप किस तरह से देखते हैं कि ये कबूतरों के शौक जो है आज काफ़ी सारी ऐसी हमारी जनरेशन है जो गलत चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं कबूतरों के शौक को लेकर आज भी सुर्खियों में नज़र आते हैं? वाली साहब ने रखे थे किसी ने नहीं, मुझे बचपन से ही शौक है, और मैंने फरियाद साहब की छत पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पे कबूतरों का शौक किया, और यहीं से बाजियाँ जो कंपटीशनों में हिस्सा लेने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हमने, कोई भी कंपटीशन हुआ हम आगे रहे, और अल्लाह के फजलो करम से हमें जीत ही हासिल हुई है,
तो जितनी भी हमने कंपटीशन छत पे बाजी यहाँ से उड़ाई हैं हम बिन रहे हैं, और इस बार मैं अपने छत पे कबूतर ले गया हूँ तो दूसरे नंबर पे मेरा नाम आया है, दूसरा प्राइज मिला है मेरे का। बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह का जिसने ये इज्जत बख्शी है। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें 24 बंदे थे जो जम्मू सिटी के अंदर, जो 24 बंदे थे 24 बंदों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें सेकंड प्राइज आया। आप सेकंड नंबर पे आए जी, कितना मतलब आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा जो है आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है लोगों की तरफ से? अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी भाई यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कबूतर आपने देखा होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा कबूतरबाजी को लेके बहुत बढ़ावा मिल रहा है और बहुत अच्छा शौक है ये। इसको अगर शौक से शौक रखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई रंजिशबाजी ना रखे हुए। और इसमें ख़ासकर उस्तादों का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है जो कबूतरबाजी को सिखाते हैं, रहनुमा बनते हैं। जो ऐसे उस्तादों के बिना ये कबूतरबाजी बिल्कुल जीरो है, नहीं जरूरी है, उनकी केयर ज़रूरी है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जाके बाजियों के लाइव बंदा बनता है, कंपटीशनों के लाइव बंदा बनता है। और इंशाल्लाह हमारे जितने आगे चैलेंज होंगे या कब अलाउंस होंगे हम सब में हिस्सा लेंगे। अगर हम कबूतरों की बात करें तो कबूतर जो है उसको प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। जी हाँ, अगर हम पुराने ज़माने में जाने की कोशिश करें तो पुराने ज़माने में ये कबूतर जो है ये चिट्ठियाँ देने का भी काम किया करते थे। सनी जी, आपने कभी किसी को कबूतर के ज़रिए चिट्ठी भेजी हो? नहीं सर, ऐसा मैंने पहले भी आपसे बात की थी शायद, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, तो ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं कि मैं चिट्ठी भेजूँ या चिट्ठी भेजती हूँ, मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं। सुना तो होगा? हाँ सुना काफ़ी है पहले ही। हाँ जी, जो यूथ हमारा इस वक्त ड्रग्स में या अलग अलग नशों में जो इस वक्त इन्वॉल्व हो गया, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है कि इन चीज़ों में, ड्रग्स या नशे में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का नुकसान है, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नुकसान है, जो इतनी मेहनत करके इतना इस टाइम इस दौर पे जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर वो उनका बच्चा जो है जो गलत रास्तों में पड़े तो कितनी तकलीफ़ होती होगी उनको, और अपनी जान से खेल रहे हैं, माँ बाप की जान से भी खेल रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ अपना रोल निभाए और इन नशों को, ड्रग्स को थोड़ा कम करें तो अच्छी बात है। अगर जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने पे ये बाजी अगर करवाई जाए, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम तैयार हैं। मैंने पहले भी आपको अपने मैसेज में कहा कि कोई भी कंपटीशन हो हमारे जम्मू सिटी के अंदर, कोई भी कंपटीशन, कोई भी कप अलाउंस हो तो हम पहले तैयार हैं, हम सबसे पहले हमारा ही वहाँ पे आएगा कि हम करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है। जो भी मेरा भाई ऐसे भी कोई हमारे साथ कोई शो करना चाहे तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ, किसी को पर्सनल कोई नहीं है। शौक जो है ये बहुत ही अच्छा शौक है, हम शौक को अच्छी तरह निभाएंगे, अच्छी तरह इसमें फेयर गेम खेलेंगे। अगर हम उस्ताद की बात करें, कहते हैं उस्ताद के बिना कोई गति नहीं होती, तो इसमें आपका उस्ताद कौन रहा है? कबूतरबाजी में उस्ताद मेरा फरियाद साहब रहे हैं, फरियाद चौधरी साहब रहे हैं, और मेरे शहबाज साहब हैं जो रहनुमा हैं, जिनकी इस बार और पिछले साल मेरे को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कबूतरबाजी में सिखाया। अपने ये पिल्लू भाई हैं वो बैठे हैं शहबाज साहब, इन्होंने सिखाया कि कैसे कबूतर का प्यार किया जाता है, फरियाद साहब ने बताया है, और कैसे इनकी नस्ल बनाई जाती है, कैसे कबूतर जो उड़ान करके आता है उसको कैसे संभाला जाता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें गहराई में, जिनको सीखने वाला भी इसको सीखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अकेले ये काम हो नहीं सकता, ये मेरे रहनुमा तो रहे थे मेरे सर के ऊपर, तो मैंने ये मुकाम हासिल किया है, और मेरे कबूतर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी वफादारी मेरे से निभाई है। पहले दिन मैं थर्ड प्लेस पे था, दूसरे दिन जब दूसरा बाजी की हुई तो मैं दूसरे दिन मेरे 5 कबूतरों ने मेरे को विन कर लिया, दूसरे नंबर पर लाया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पहले दिन मैं थर्ड प्लेस पर था और दूसरे दिन मैं सेकेंड प्लेस पर आया हूँ, तो मेरे 5 ही कबूतर जो हैं उनका टाइम नोट हुआ है, तो मैं बहुत ही अच्छा इनको मतलब उनकी तरफ से मेरे जो कबूतर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, इन कबूतरों को खाने के लिए क्या दिया? तरह तरह की चीज़ें, ऐसे तो आम, कनक, बाजरा और सरियों वगैरह डलती है, और बाकी अपनी अपनी चीज़ें मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से हमारे साथ काफ़ी चर्चों में रहने वाले हैं मोहसिन सलाथिया भी, आप देख सकते हैं सनी जी जो सेकंड नंबर पे आए हैं, मोहसिन सलारिया जी की तरफ से इनको हार भी डाला गया, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है। जी सर, आप किस तरह से देखते हैं कि आज आपके साथी जो है सेकंड नंबर पे है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये पहली बार इसने अपने छत पे कबूतर रखे हैं। आज से पहले ये फरियाद के साथ कबूतरबाजी करता था, लेकिन इस साल इसने अपने छत पे कबूतर रखे, वो
और बहुत बेहतरीन कबूतरबाजी का प्रदर्शन किया है। जितने भी कबूतरबाज हैं, आज हिस्ट्री है कि ऐसी शर्त में, मेरी 40 साल एज है, 40 सालों में मैंने ऐसी शर्त में इतने देर तक कबूतर आसमान में नहीं देखे। शाम को 7:30 बजे कबूतर को नीचे लाना, ये एक मिसाल है, ये हिस्ट्री बन गई है हमारे जी एंड जी में। मैं जी, अगर हम इन कबूतरों की बात करें, इनको प्यार का प्रतीक भी माना जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो ये चिट्ठियां देने का भी काम करते हैं। आपने कभी किसी को चिट्ठी भेजी? देखिए जी, मैंने सुना है, चिट्ठी ऐसी भेजी तो नहीं, लेकिन कबूतर बहुत वफादार जानवर है। ये राजा महाराजा के मन का शौक है, ये महाराजा और नवाबों का शौक है, है ना। उन्होंने ट्रेन किया होगा तो ऐसा होता था। हम तो उड़ाने के लिए ट्रेन करते हैं कबूतर, हम तो देखते हैं कबूतर उठता है तो जितनी लेट तक कबूतर आसमान में रहे तो उसी की वाबा होती है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखें, ये कबूतरों का शौक जो है अब बहुत सारे यूथ के दिलों से जो वो ख़त्म हो गया, लेकिन आप जो है काफ़ी सुर्खियों में कबूतरों को लेकर रहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए जी, शौक जो है ना, अच्छा शौक कोई भी हो तो वो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे शौक से आपकी सोच भी अच्छी बनती है, है ना, तो नाम भी अच्छा बनता है। तो जब हम कोई गलत राह में जाएंगे, गलत शौक रखेंगे, तो उसमें हमारा कोई इज्जत थोड़ी है। तो ये शौक जो है, ये बड़े अच्छे शौक हैं, ये नवाबी शौक हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कबूतर जो है ये मामूली शौक नहीं है, कबूतर की बहुत केयर करनी पड़ती है, इनके घर बनाने पड़ते हैं, इनकी खुराक देखनी पड़ती है, है ना, इनको बीमारियाँ होती हैं, उन पर खर्चा होता है, फिर उसके बाद बड़ी मेहनत से ये कबूतर एक साल बचती है, जो एक साल हमारा मई का महीना है जिसमें कंपटीशन होते हैं, तो उस वक्त वही साल एक महीने के लिए हम जो उड़ाते हैं, पूरा खर्चा पूरी मेहनत करके कबूतर जब अच्छी उड़ के आ जाए तो पूरे साल की खुशी मिलती है उसमें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बार कैमरा घुमा के बता दें, ये सभी जो है काफ़ी चर्चों में रहने वाले कबूतरबाज हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये पूरी टीम है इनकी, और ये पूरी टीम जो है आपको एक ही छत पे जो है वो नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चों में रहने वाले कबूतरबाज जो हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम गुजारिश करेंगे, हमारे साथ एक और यहाँ पे सीनियर कबूतरबाज मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, पहले आप अपना नाम बताइए। सर, किस तरह से देखते हैं कि आज आपके एक साथी ने जो है सेकंड नंबर पे आके एक बहुत बड़ा नाम एक हासिल किया है तलाब लिखा में, आप किस तरह से देखते हैं? ये इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा बेटा भी है, दोस्त भी है, इसलिए जो खुशी मुझे है वो शायद और किसी को नहीं ना हो। मेरे को बताएं कि कितनी खुशी होती है उस वक्त जब अपना कोई दोस्त, अपना कोई साथी जो है अवार्ड लेके जाते हैं। ये बयान करके ये खुशी बयान करके इस खुशी का मज़ा दोबाला हो जाए। तो आपने कहा था कि भाई एक खत के सिलसिले में प्यार का प्रतीक इसको माना जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई खत कबूतर ले जा बामे यार पर। कबूतर कहता है कि खत कबूतर कैसे ले जाए बामे यार पर, मैं कहता हूँ खत कबूतर ऐसे ले जाए बामे यार पर, खत का मजमून हो परों पर और पर कटेंगे बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा से हमें ये सुनाएं ताकि हमारे अच्छे से सुन सकें। खत कबूतर ले जा बामे यार, बामे यार हुआ कि यार की दीवार, बस दो कलम। खत कबूतर ले जा बामे यार पर, कबूतर कहता है कैसे, खत कबूतर कैसे ले जाए बामे यार पर, लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। मैं कहता हूँ खत कबूतर ऐसे ले जाए बामे यार पर, खत का मजमून हो परों पर और पर कटे हैं दीवार। ये हमें सुनाया कि किस तरीके से जो है इनका शेर इन्होंने एक अर्ज किया, और मैं दिल से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया इन्होंने एक शेर अर्ज किया, और कहते हैं समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है, जो नहीं समझने वाला है तो उसके लिए ये जो है बेकार है, लेकिन अगर जो समझने वाला होगा वो इस शेर को समझ कर ज़रूर इस पर अमल करेगा। लेकिन अगर हम इसी के साथ बात करने की कोशिश करें, हमारे साथ एक और कबूतरबाज यहाँ मशहूर कबूतरबाज जो है दलपति यहाँ मोहल्ले से आमिर जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें। जी आमिर जी, किस तरह से देखते हैं? और मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब कबूतर उड़ाना
इसको पालना, इसको कबूतरबाजी का नाम दो, कबूतर परवरी का नाम दो। कबूतरबाजी से क्या होता है, थोड़ा गलत इंप्रेशन, इसको कबूतर परवरी बोलो, अच्छी बात है। और दूसरा नंबर ये कि जैसे हम कह रहे हैं नशे से लोग निकल के ये चीज़ पाल लें तो इसमें अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई आप ये चीज़ पालो, लेकिन सबसे पहले अपना घर देखो, अपना काम देखो, कामकाज देखो, उसके बाद कबूतर रखो कि घर वाले भी खुश रहे। ये नहीं आप सारे काम काज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के कबूतरों में बैठे रहो 24 घंटे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपके घर वाले आपको अलाउ कर देते हैं कबूतर? देखो अलाउ तो नहीं करते थे, लेकिन अब हम काम में भी काम कर रहे हैं, मतलब घर के लिए भी उनको भी टाइम दे रहे हैं, सबको टाइम दो, फिर उसके बाद कबूतरों में आओ तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई घर वाला कोई तंग नहीं करेगा आपको। मैं मास्टर आमिर जी से थोड़ा बताया कि क्या किस तरीके से जो है कबूतरबाजी के शौकों को पाला जाता है, उसके बाद जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जो है पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे हासिल किए जाते हैं, अवार्ड हासिल किए जाते हैं। और अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए मैसेज देना ज़रूरी समझूंगा जो लोग जो है नशे में इस वक्त जो है ड्रग्स में या किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी स्पोर्ट्स गेम हो उस स्पोर्ट्स गेम्स में जो है अपना पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो अच्छे पैमाने पर जो है अपनी जीत हासिल करें। इसी के साथ आप बने रहें भद्रवाह टाइम्स के साथ, मुझे और मेरे कैमरा मैन को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अरे भाई एक शॉट है, कौन बोलूँगा।